अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप हैं अपने ही चैनल शौक वीलॉग पर और वीडियो शुरू करते हैं इन खूबसूरत खूबसूरत वेजिटेबल्स के साथ जो कि मैं अपने रूफटॉप पर ग्रो कर रही हूँ। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये खूबसूरत सी हनी भी। ये हनी भी मेरी वेजिटेबल्स पर आई है और ये जो वेजिटेबल्स मैंने ग्रो की हुई हैं ये टोटली ऑर्गेनिक हैं। और ये हनी भी इन वेजिटेबल्स के ऊपर जो अब फ्लावर्स आ रहे हैं क्योंकि अब इनमें सीड्स बनने वाले हैं तो इन फ्लावर्स का रस जो है ये चूसेगी। और ये जो रस है जिसको नेक्टर कहते हैं ये इसको यूज़ करके अपना हनी बनाएगी। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है कि आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग करें और आपकी जो है गार्डन में पोलिनेशन के लिए बीज आ रही है तो ये बहुत ही हेल्दी एक्टिविटी है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद एक तो आपको ये बताना है कि मेरे रूफटॉप में जो मैंने वेजिटेबल्स वगैरह लगाई हुई हैं, दूसरा आपको ये बताना कि आप लोग जिन लोगों के पास अपने कोई जगह नहीं है, कोई ग्राउंड वगैरह नहीं है जिसमें वो अपनी वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो कर सकते हैं, तो वो मिनिमल सी एफर्ट से बहुत ही कम खर्चे में ऐसी वेजिटेबल्स जैसा कि मैंने ग्रो की हुई है इस तरह की जगह पर वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये बात देख सकते हैं कि जो मैंने वेजिटेबल्स ग्रो की हुई हैं तो ये मैंने उन बास्केट्स में ग्रो की हुई हैं जो कि बाज़ार में वेजिटेबल्स वाले के पास मिल जाती हैं। ऐसा बंदा जो कि वेजिटेबल्स सेल कर रहा होता है उसके पास से ऐसी वेजिटेबल्स आपको आसानी से मिल जाती हैं। और दूसरी चीज़ आपको चाहिए इसके लिए गार्डन सॉइल भी आपको इजीली मिल जाएगी। और तीसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है काउ डंग कंपोस्ट जो कि बहुत ही इजीली अवेलेबल होती है ऐसी जगहों पर जहाँ पर जो है काउज वगैरह रखी हुई होती हैं या बफलोज वगैरह रखी हुई होती हैं तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सरसों की वेजिटेबल ग्रो की हुई है और इसके अलावा गार्लिक ग्रो किया हुआ है और इसके अलावा यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि मैंने सोई या डिल जो होता है उसको ग्रो कर रखा है। ये आप देख सकते हैं मेरी वेजिटेबल्स, इनका थोड़ा क्लोज व्यू। अब इन वेजिटेबल्स के ऊपर फ्लावरिंग हो रही है और इसके बाद इनमें सीड्स लगेंगे जिन सीड्स को सेव करके अगले सीज़न के लिए रखा जा सकता है ताकि उसको अगले सीज़न में लगाया जाए और ग्रो किया जाए। तो इस तरह से ये मेरी सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो ऑर्गेनिक हैं। ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स वो होती हैं जिनमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र ना डाला गया हो। तो चूँकि मैंने सिर्फ काउ डंग डाली है तो ये सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो मेरी ऑर्गेनिक है। इस तरह से आप अपनी वेजिटेबल्स भी ग्रो कर सकते हैं और अपनी लाइफ को, अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी बना सकते हैं और अपनी फूड को हेल्दी बना सकते हैं। इन वेजिटेबल्स को आप जितना ज़्यादा जो है कट करेंगे, ऊपर से लेंगे और अपने घर में कुक करेंगे उतनी ज़्यादा ये दोबारा से ग्रो हो जाएंगी और अपनी जो आपने काउ डंग ली होगी उससे ये अपनी फूड लेंगी। तो इस तरह से आप ये हेल्दी वेजिटेबल्स अपने रूफ टॉप पर ग्रो कर सकते हैं और अगर आप ये ग्रो करेंगे तो ये बहुत ही अच्छी इनोवेशन है, बहुत ही अच्छा किस्म का ये स्टेप होगा, बहुत ही हेल्दी एक्टिविटी होगी और जो है इससे आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। तो दोस्तों आपको पता है कि हम लोगों के एंसेस्टर्स जो थे वो काउ डंग में सिर्फ वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो करते थे जिसकी वजह से उनकी सेहत भी अच्छी रहती थी और जो है वो उनमें इम्यूनिटी वगैरह भी हमसे बेहतर थी। तो इस तरह से आप भी जो है अच्छी वेजिटेबल्स ग्रो करके अपनी इम्यूनिटी वगैरह जो है वो दोबारा से बढ़ा सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो ख़त्म करती हूँ। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं और तब तक के नेक्स्ट वीडियो बनाने तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और फिर उसके बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। अल्लाह हाफिज़।